हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आप देख ही सकते हैं मैंने गूगल मैप्स खोल के रखा है, और डेफिनेटली इसका ये मतलब है कि आज हम कुछ ऐसी प्लेसेस में वर्चुअली जाएंगे और कुछ ऐसे स्ट्रेंज फॉर्मेशंस देखेंगे, ऐसी जगहों को देखेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हमारे को सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर वो फॉर्मेशन जो हम देखेंगे वो बनी कैसे है। और कुछ मिस्टीरियस प्लेसेस पर हम जाने की कोशिश करेंगे। कुछ कमेंट्स भी मेरे पास आए थे, क्योंकि हम उनके लोकेशन पे भी जाएंगे और कोशिश करेंगे देखने की कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या है जो उन्हें इतना, हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें इतना इंटरेस्टिंग लगा। तो चलिए, सबसे पहली लोकेशन जो हमारे पास है वो आती है ये वाली लोकेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं 50 डिग्रीज़ नॉर्थ, 110 डिग्रीज़ वेस्ट। तो ये इंटरेस्टिंग वाकई में है, और वो इसीलिए क्योंकि ये काइंड ऑफ नेचुरल फॉर्मेशन ही है। देखिए, ये नेचुरली ही बनी है। यहाँ पर हम थोड़े से हिल्स टाइप देख सकते हैं, और ये काफ़ी नर्व्स टाइप एक पैटर्न है। बट सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये ह्यूमन फेस जो हमें दिख रहा है। देखिए ज़रा, ये ह्यूमन फेस को रिजेंबल कर रहा है, जो बहुत ही वियर्ड है क्योंकि रिजेंबलेंस काफ़ी स्ट्रांग है। देखिए, ये आईब्रोज, आइज, ये नाक वाला हिस्सा हो गया, ये मुंह, और ये बाल की तरह लग रहा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक फीचर है। काफ़ी हाइट से भी ये देख सकते हैं हम, बट हाँ, इतनी इतने पास अगर कोई इसे देखे यहाँ पर, तो ये वाकई में एक ह्यूमन फेस की तरह लग रहा है। बट मुझे नहीं लगता कि ये कुछ सुपर नेचुरल और समथिंग है। हाँ, ये नेचुरली हो सकता है कि ऐसा पैटर्न बन गया हो जो कि अब हमें इंसान की शक्ल की तरह लग रहा है। बट क्या आपको लगता है कि मतलब किसी ने ये जानबूझकर ऐसे बनाया होगा बहुत टाइम पहले, जो कि अब इसने ऐसी शेप ले लिया? बट ऐसा काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नेचुरली ही यहाँ पर बना हुआ है ये फेस। आप लोगों को क्या लगता है मुझे ज़रूर बताएं आप कमेंट सेक्शन में। बट हाँ, ओवरऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, और अर्थ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर कितना कितना एक्यूरेट यहाँ पर ये फेस बना हुआ है। बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस यहाँ पर हम देख सकते हैं। नेस्का लाइंस के ऊपर मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी तो नहीं बट हाँ, एक मेन वीडियो मैंने नेस्का लाइंस के ऊपर बनाई है, और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है इन लाइंस के बारे में। बट आज गूगल अर्थ पर पहली बार मैं यहाँ पर वर्चुअली विजिट कर रहा हूँ नेस्का लाइंस को। तो चलिए, हम ढूंढने की कुछ कोशिश करते हैं यहाँ पर पैटर्न्स। देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ना नेस्का लाइंस, इनके ओरिजिन भी बहुत मिस्टीरियस है, क्योंकि ये लोगों ने क्यों बनाई और क्या लोगों ने ही बनाई, क्योंकि देखिए बहुत ही एक्यूरेटली देखिए कितनी सीधी ये लाइन है, और ये देखिए ये पैटर्न, ये किस लिए ऐसे बनाए हुए हैं इन्होंने? क्या ये नेचुरली हवा से बने हैं, लोगों ने बनाए हैं? बट ये नेचुरल भी नहीं है, क्योंकि कुछ शेप्स यहाँ पर ऐसी है, जैसे स्पाइडर्स लोगों ने यहाँ बनाई हैं, बर्ड्स बनाई हैं, बर्ड्स जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे हमिंग बर्ड, ये हमिंग बर्ड की शेप है। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं इस व्यू में यहाँ पर जाके आपको दिखाता हूँ। ऐसी और भी शेप्स यहाँ पर है, हमें ढूंढनी पड़ेगी, बट ओवरऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखिए कितना प्लेन ये एरिया है। हाँ, ऐसा हो सकता था कि लोगों ने ये खुद बनाई हो, बट ये फिर भी बहुत मुश्किल काम है। मान लीजिए कोई एक ऐसी हाइट पर यहाँ पर आकर किसी को गाइड कर रहा है, बट इतनी हाइट पे वो आते भी कैसे, आप खुद सोच के देखिए, क्योंकि ये तो अब टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो इसके थ्रू हम देख सकते हैं। देखिए, यहाँ हमिंग बर्ड बनी है, ये चोंच पंख, इसको हमिंग बर्ड नाम दिया गया है इस चित्र को जो आप देख सकते हैं। और बहुत बड़ा ये एक्चुअली है, छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा है ये, क्योंकि ज़मीन में इस वक्त हम इमेज के तौर पे देख रहे हैं, तो कई लोग सोचेंगे ये तो छोटा ही है, बट नहीं, बहुत बड़ा एरिया, और वहाँ पर इसे स्केच टाइप किया गया है, ज़मीन में बनाया गया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है। और यहाँ देखिए आसपास कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी पहाड़ी भी नहीं है। देखिए कहाँ कहाँ ये पैटर्न्स बने हुए हैं, आसपास हमें बिल्कुल प्लेन दिख रहा है। हाँ, ये थोड़े हाई एरियाज़ है, बट ये भी इतने ज़्यादा हाई एरियाज़ नहीं है कि यहाँ पर कुछ लोग आते हैं फिर वो देखते हैं, अच्छा वो सही बन रहा है, फिर जाके इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उन्हें कि नहीं यहाँ जाओ वहाँ जाओ। बहुत बहुत मुश्किल काम, और इसीलिए कई लोग यहाँ पर ऐसा भी बोलते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पर मिस्ट्री ज़रूर है इससे रिलेटेड, वरना इतना ईजी नहीं है इन पैटर्न्स को बनाना। और यहाँ काफ़ी स्ट्रेंज स्ट्रेंज पैटर्न्स हमें दिख जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर भी, ये क्या पैटर्न्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, पैटर्न्स हमें यहाँ दिख रहे हैं। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी है,
मैंने अभी नोटिस की, ये देखिए यहाँ पर ये डॉट दिख रहा है, सारी लाइनें स्ट्रेट आ रही है, यहाँ इस डॉट पे जा रही है, मतलब बहुत एक्यूरेट। देखिए कंपस वगैरह से लेके स्केल से हम इतने एक्यूरेटली पेपर पे भी नहीं बना पाते जितना इन्होंने इतने बड़े एरिया में, देखिए कितने एक्यूरेटली लाइंस आ रही है एक जगह पे, यहाँ पर मिल रही है इस पॉइंट पे ये लाइंस। कुछ सिग्निफिकेंस इस पॉइंट की भी होगी हमें नहीं पता, हम विजिट भी नहीं कर सकते अभी इस एरिया में, बट अगर मौका मिला तो ज़रूर जाना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। बट ओवरऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर और भी कई शेप्स है, इस टाइम मुझे वो दिख नहीं रही, ना ही उनके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, तो उसमें टाइम लगेगा मुझे ढूंढने में। बट हाँ, एक एल एस्ट्रोनॉटो एस्ट्रोनॉट एक ह्यूमन फिगर भी यहाँ पर एक शेप के तौर पे है, उसे देख के ऐसा लगता है कि वो आसमान में देखते हुए। ये देखिए ये भी बड़ी अजीब सी फिगर है, हाथी टाइप लग रहा है ये, काफ़ी स्ट्रेंज यहाँ पर फिगर्स हमें दिख रहे हैं। हाँ तो मैं उसकी बात कर रहा था फिगर की, एल एस्ट्रोनॉटो, और वो ऐसे ही ज़मीन में ऐसे लगता है कि कोई एस्ट्रोनॉट है जो कि बाय वेव कर रहा है किसी को, मोस्ट प्रॉबेबली एलियंस को, यहाँ से धरती से। इस टाइम पे वो कहाँ है यहाँ पर वो मुझे नहीं पता है, बट आप मेरी नाज़का लाइंस की वीडियो देख सकते हो, और ख़ुद भी आप इमेजेस इंटरनेट पे नाज़का लाइंस से रिलेटेड देख सकते हो। ओवरऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस ये नाज़का लाइंस वाली है। और अब हम आ गए हैं यहाँ पर चाइना की तरफ, तो आप देख सकते हैं ये है चाइना, राइट। तो यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रेंज एक हम देख सकते हैं, वापस इन कोऑर्डिनेट्स पे जाता हूँ, तो ये कोऑर्डिनेट्स है, और ये सारे कोऑर्डिनेट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे, अगर आपने भी जाके वहाँ विजिट करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये चाइना वाला एक एरिया है, यहाँ पर हम देख सकते हैं काफ़ी एक बड़ा स्क्वायर जैसा हमें दिख रहा है, और प्रॉबेबली ये शायद मिलिट्री एरिया भी हो सकता है, बट मिलिट्री एरिया ये लग नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई बिल्डिंग्स भी नहीं दिख रही है, ये काफ़ी प्लेन एरिया है। और ये यहाँ पर ये काफ़ी वियर्ड है, ये अनयूजुअल से पैटर्न आप देख सकते हैं, काफ़ी एक रेक्टेंगल टाइप है यहाँ पर, और ये पैटर्न चले हुए हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और काफ़ी बड़ा ये एरिया है, छोटा एरिया नहीं है। और आसपास भी अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें कोई ऐसी एरिया नहीं दिख रहा जैसे किसी का घर हो, कोई बिल्डिंग हो। तो क्या ये नेचुरली बनी हुई है? नेचुरली काफ़ी मुश्किल है क्योंकि अजीब सा पैटर्न है, और काफ़ी मिस्टीरियस ये एक हम देख सकते हैं ज़मीन पे इतने बड़े एरिया पे ये क्रे कार्विंग टाइप हम बोल सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर डिज़ाइन इसका है, और ये क्या है, आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में? मिलिट्री एरिया मुझे ये नहीं लग रहा है क्योंकि वेल आई डोंट नो, ये मिलिट्री एरिया तो नहीं हो भी सकता है शायद, देखिए आप, क्योंकि ये अब यहाँ पर ये हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर बिल्डिंग्स भी है, कुछ रनवे टाइप भी यहाँ पर है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि यहाँ पर ये कुछ मिलिट्री एरिया का हिस्सा हो, यहाँ पर मे बी कुछ कोई टाइप की ड्रिल्स करते हो यहाँ पर, टेस्टिंग वगैरह, तो हम कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ ओवरऑल काफ़ी मिस्टीरियस ये एरिया हमें लगा। अब हम एक बिल्कुल नए कोऑर्डिनेट पे हैं, और यहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हम एक फीचर देख सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग तो मुझे सबसे पहले ये लग रहा है कि देखिए काफ़ी प्लेन सा ये एरिया हमें यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पर बीच में एक आप बोल सकते हो लैंड थोड़ा सा उठा हुआ है, थोड़ा सा माउंटेनियस सा ये रीजन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी एक स्ट्रेंज फिगर यहाँ पर बना हुआ है, बट ये प्रॉबेबली जो यहाँ पर सिविलाइजेशंस पहले रहती होगी। देखिए इसका नाम भी आ दिया है इन्हें, जायजेंटे दे टेरापैक, अब पता नहीं इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, बट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंथ्रोपोर्मोग्राफिक, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंथ्रोपोर्मोग्राफिक, ये मतलब ये रिकग्नाइज है, तो ये ज़्यादा मिस्टीरियस नहीं है, बट ओवरऑल काफ़ी ये हम देख सकते हैं स्ट्रेंज है। अगर कोई ऊपर से आप मानिए हेलीकॉप्टर में जा रहे हो और आप देखेंगे ऐसे फिगर को, आप सोचेंगे ओह माय गॉड ये क्या है और ये किसने बनाया, बट हाँ ये प्रॉबेबली लोगों ने ही बनाया। बट सोचने वाली बात ये आती है लाइक गाइस कि लोग इतने बड़े एरिया में, ये कोई छोटा एरिया नहीं है, काफ़ी बड़ा एरिया है, और उस टाइम पे हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। देखिए जैसे आज हम यहाँ पर सैटेलाइट इमेजिंग का यूज़ कर रहे हैं, गूगल अर्थ यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास बहुत से वेदर ऊपर उड़ने वाले बलून्स वगैरह भी आते हैं, हॉट एयर बलून्स, राइट। और साथ ही साथ अब हमारे पास एरोप्लेन्स है, हेलीकॉप्टर्स है, तो हम ऊपर जाके देख सकते हैं सब कुछ।
बट पहले को लोगों को कैसे पता चलता था कि ये इतने सही तरीके से वो चीज़ों को बना रहे हैं? सिर्फ गेस के बेसिस पे थोड़ा मुश्किल है, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं पहले के लोग काफ़ी एडवांस थे काफ़ी वेज में, उन वेज में अब हम एडवांस नहीं हैं। इंडिया में भी ऐसे बहुत से टेम्पल्स भी हैं मिस्टीरियस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बने हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडियन टेम्पल्स जो पुराने आप देखेंगे उनमें जो ब्लॉक्स यूज़ करते थे स्टोन ब्लॉक्स, वो बहुत बड़े बड़े करते थे। तो मतलब वो इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स को ट्रांसफ़र भी करते थे और उन्हें कट भी करते थे। तो मॉडर्न मशीनरी आजकल इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स कट कर सकती है, आजकल वाली भी नहीं कर पाती शायद इतने एक्यूरेटली जितने कुछ इंडियन टेम्पल्स यहाँ पे, उन पर भी वीडियो हम बनाएंगे, बट ये भी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर एक कमेंट मेरे को आया था एक्सोनिसिस का, और उन्होंने बोला कि भाई इस कोऑर्डिनेट पर आप जाओ एक बार। तो सारा यहाँ पर कॉन्वर्जेशन देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा था कि पता नहीं भाई, पर यूट्यूब पर एक गूगल अर्थ का वीडियो देखा, उसमें यहाँ पर पास पास वो उड़ने वाले प्लेन पर जूम करता है तब उसे देखिए। अब ये यहाँ पर स्पेसिफाई ज़्यादा इन कोऑर्डिनेट्स में इन्होंने नहीं किया, बट मैं फिर भी यहाँ पर मैंने ये फीड किया जब कोऑर्डिनेट्स को, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये लोकेशन आ रही है 31 डिग्रीज नॉर्थ और ईस्ट के आसपास। तो मैं यहाँ पर गया हूँ, तो ये एरिया हो सकता है आप इसी की बात कर रहे हो, क्योंकि हाँ ये थोड़ा यहाँ पर ये वाइट सी शीट और ये कलर यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये भी स्ट्रेंज ही है एक तरीके से, क्योंकि शायद ये सेंसर किया गया है एरिया को, शायद ये अलाउड नहीं है एक्सेस करना हमारे लिए। मे बी ये मिलिट्री एरिया का हिस्सा हो, बट ये तो माउंटेन्स यहाँ पर ये लग नहीं रहे मिलिट्री एरिया का हिस्सा है, बट मे बी हो सकता है ये मोस्ट प्रॉबली चाइना का यहाँ पर ये पार्ट लग रहा है मुझे, और यहाँ पर कुछ शायद सेंसिटिव बेस मिलिट्री बेस हो सकता है, या फिर कोई ऑपरेशन इनका चल रहा हो जो कि अब यहाँ पर इन्होंने स्पेशली इसे सेंसर कराया है। बट फिर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि यहाँ पर ये सेंसर्ड क्यों है इतना, ये वाइट वाइट क्यों आ रहा होगा यहाँ पर? क्या ये मेरे गूगल अर्थ में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ये आप भी ज़रूर चेक कीजिएगा गाइस, अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो आप भी ज़रूर मुझे बताना कि आपके भी क्या ये वाइट रेक्टेंगल आ रहा है, क्या ये सेंसर किया गया है, क्या यहाँ हाइड किया गया है ये एरिया कुछ करके, और यहाँ पर ये कलर मैप इतना अजीब सा क्यों है, यहाँ पर पर्पल है यहाँ पर येलो है, क्या ये मैप की प्रॉब्लम है, सैटेलाइट इमेजिंग में प्रॉब्लम है, आप ज़रूर मुझे बताना। बाकी ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक एरिया मुझे लगा, थैंक्स एक्सोनिसिस। और अगर शायद ये वो एरिया ना हो तो कोइंसिडेंटली मैं एक दूसरे ही एरिया में यहाँ पर आ गया हूँ, और ये भी थोड़ा स्ट्रेंज है, बट हाँ आप मुझे ज़रूर बताना एक्सोनिसिस कि क्या यही एरिया वो है जिसकी आप बात कर रहे थे। बाकी स्टॉप रिकॉर्डिंग वगैरह की मुझे कोई भी यहाँ पर मैसेज नहीं आया है, और उसी एरिया से जिसकी मैं अभी बात कर रहा था वो भी यहीं आसपास है, वहीं से मुझे एक्चुअली माउंट कैलाश दिखा, और मैं यहाँ पर इस माउंटेन के पास आया हूँ देखने के लिए। और वाकई में देखिए इसकी शेप, मैंने इस पर वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं पिरामिड जैसी शेप, माय गॉड पिरामिड जैसी शेप इसकी है, देखिए ठीक है कितनी पिरामिड से रिजेंबल करती है शेप, वाह। और इसीलिए लोग ऐसा बोलते भी है कहीं कि ये जो माउंट कैलाश है हमारी ये एक नॉर्मल माउंटेन नहीं है, एक आर्टिफिशियल माउंटेन है, और क्योंकि हमारे लिए बहुत ही धार्मिक तरीके से भी इम्पॉर्टेंट माउंटेन है, भगवान शिव यहाँ पर क्योंकि वास करते हैं, तो माउंट कैलाश अनफॉर्चुनेटली ये भी काफ़ी मिस्टीरियस माउंटेन है, और इस पर लोगों को चढ़ना अलाउड नहीं है इसके टॉप में। सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू भी हम कुछ खासा यहाँ पर इंटरेस्टिंग देख नहीं पा रहे हैं, बट फिर भी बहुत ही वियर्ड इस माउंटेन की शेप है और काफ़ी मिस्टीरियस है, आप वीडियो ज़रूर देखना इससे रिलेटेड जो मैंने बनाई है।